हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू KKR केमिस्ट्री। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, हर एक वीडियो में बना के डालूंगा। थोड़ा लेट लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन बना के डालना पड़ेगा हर एक वीडियो को, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ के बारे में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर खोजना पड़ा, डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा था, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है या गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसीलिए मुझे अच्छी बुक का इस्तेमाल करना पड़ा है, तो मैं लेवाइन और एटकिंस का रेफरेंस लेके चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उन बुक में सर्च मार सकते हैं, जो मैं बताऊँगा वही एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, तो ज़रा आज हम लोग देखते हैं अगला लेक्चर राउल्ट्स लॉ पे। तो देखिए, हम लोग जब पिछले वाली वीडियो में बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि देखिए, राउल्ट्स लॉ दो केस में काम करता है, एक वोलेटाइल केस में, एक नॉन वोलेटाइल केस में। देखिए, एक्चुअली हमारे पास जब मिक्सचर की बात करते हैं, तीन टाइप के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, सॉलिड मिक्सचर होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है और गैसेस मिक्सचर होता है। जब हम गैसेस मिक्सचर की बात करते हैं, तो परफेक्ट गैस का मिक्सचर हो जाता है, जिसको हम आइडियल गैस कह देते हैं। सेम क्या यहाँ पे आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से। और जो सॉलिड का मिक्सचर होता है, उसका क्या होता है? तो देखिए, उसमें एक टर्म यूज होता है केमिकल पोटेंशियल नाम से। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? जो चेंज होता है गिब्स एनर्जी में, जो चेंजेज होता है उसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, उसकी पैरामीटर को डिफाइन करता है। लेकिन वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी तक हम लोग जो कल पढ़े थे कि आइडियल, चूँकि हमारा जो सोल्यूशन है राउल्ट्स लॉ पे अभी यहाँ पे, वो लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहे थे। और लिक्विड मिक्सचर में दो चीज़ें होती हैं, वोलेटाइल केस है कि नॉन वोलेटाइल केस है। सबसे पहले हम वोलेटाइल केस की बात करते हैं। वोलेटाइल होता क्या है? आप एक चीज़ देखो, कैम्फर, कैम्फर को अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि कैम्फर वोलेटाइल नेचर का, मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा, वेपर में कन्वर्ट हो जा। अगर कोई भी चीज़ वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? वोलेटाइल केस कहते हैं। एक मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। आप आयरन को ले लेंगे, लोहे को, तो बहुत ज़्यादा सॉलिड वो भी है, उसको भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन उस केस में नहीं कहेंगे। NaCl ले लीजिए, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या सब वोलेटाइल है? नहीं, वोलेटाइल का मतलब जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड या एक फिक्स टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, उसको बोलते हैं वोलेटाइल केस। जैसे NaCl, NaCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो NaCl क्या है? नॉन वोलेटाइल केस है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। लेकिन कैम्फर, कैम्फर को रख दीजिए तो आपको पता है, नेफ्थलीन हुआ, कैम्फर हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वोलेटाइल केस है। ठीक है, वोलेटाइल चीज़ें हैं। आप वाटर रख दीजिए तो वाटर भी क्या हो जाता है? वोलेटाइल हो जाता है। जितने भी लिक्विड होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं? वोलेटाइल नेचर के होते हैं। लेकिन इसी की बात हम कर रहे थे कि वोलेटाइल केस क्या होगा, नॉन वोलेटाइल केस क्या होगा। वोलेटाइल केस में जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, वो दोनों क्या होंगे? दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। इसलिए उनकी बात हो रही थी, दो कंपोनेंट लिए थे, ए और बी। तो ए और बी जब कंपोनेंट लिया गया था, हमने ये बताया था कि जब ए कंपोनेंट लिया जाएगा और ये बी कंपोनेंट लिया जाएगा, देखिए ए कंपोनेंट को इस तरह से और बी कंपोनेंट को हम इस तरह से इंडिकेट करें। तो देखिए, जब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा था, तो मिक्स करने के बाद इनका जो सॉल्यूशन बन रहा था, ये जो सॉल्यूशन बन रहा था इसमें, ठीक है ना, ए और बी दोनों टाइप के मिक्सचर इसमें कम, तो क्या हम इसका निकाल रहे थे? नहीं, हम इस सॉल्यूशन का नहीं निकालते हैं वेपर प्रेशर। हमको लगता है कि हम इसका निकालें, नहीं, ऐसा नहीं। हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकाल के उनका टोटल कर देते हैं और बोलते हैं वही सॉल्यूशन का क्या है, वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। जैसे ए है, तो ए का 100% PaO होता है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट का केस में बताया था, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है 100%, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? PaO। और इसका क्या होगा? PbO। ये क्या है? PaO और PbO, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, चूँकि इसमें ए का मोल फ्रैक्शन भी अगर ले लिया जाए, तो PaO इंटू क्या कर देंगे? XA। और PbO इंटू क्या कर देंगे? XB। और ये किसके बराबर हो जाते हैं? PA इज इक्वल टू PaO XA के बराबर हो जाते हैं, और ये PB इज इक्वल टू PbO XB के बराबर हो जाते हैं। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको इस चीज़ को बताया है। ठीक है, थोड़ा सा आज हम और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इन दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ये PA है, ये PaO के ही बराबर है। कब? जब ये XA की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर 100 वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, 100 वेपर मान लीजिए H2O के प्रोड्यूस हो रहे हैं,
और ये मान लीजिए 100 वेपर एथिल अल्कोहल के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक, या इसका 50 मान लीजिए, 50 वेपर एथिल अल्कोहल। तो देखिए जो एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कितने वेपर प्रोड्यूस है, 100 वेपर, और हमने कहा ये क्या 100% प्योर, मतलब ये जो पीए है, पीए इक्वल टू पीए नॉट कब होगा, जब एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब अभी ये चीज़ इसमें ऐड नहीं हुआ है, 100% है, इसलिए पीए किसके बराबर है, पीए नॉट के। सेम यही सिचुएशन इसके साथ होगी, पीवी किसके बराबर होगी, पीवी नॉट के, मतलब जब ये 100% प्योर होगा। लेकिन जैसे जैसे एथिल अल्कोहल इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, वैसे वैसे बॉन्डिंग चेंज होती जाएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, तब तक डिक्रीज होगा जब तक कि इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं आ जाता, और इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं आ जाता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन का जो राउल्ट्स लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ में हमने बताया था कि अगर वेपर फेज में देखते हैं तो क्या करता है, कंटिन्यूसली इस टाइप से क्या करता है, वेरी करता है। ये एक्स ए बराबर 1% था, एक्स बी बराबर 0 था, ये 100% वाली केस की बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे वही उल्टा हो जाता है, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, ठीक। तो हमने इसके बारे में बताया था कि मान लेते हैं पहला वाला का वेपर प्रेशर कम लेंगे या ज़्यादा, जैसे 100 वेपर लिए तो मतलब मैक्सिमम हुआ होगा, और ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हम 50 वेपर लिए तो मान लीजिए 50 वेपर यहाँ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा। तो ये ऐसे P टोटल मिलेगा, जो PA प्लस क्या था, PB था। ये चीज़ को हम बताए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो क्या इस चीज़ का कोई बेनिफिट है? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देखिएगा नरेंद्र दोस्त जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट का मतलब ये है, जब हम टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं तो P टोटल मेरा भाई किसके बराबर हो जाता है, PA प्लस PB के, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। तो जब टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा तो पी टी बराबर पी ए के स्थान पे हम क्या रख देंगे भाई, चूंकि ये पी ए के बराबर है ना, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, तो यहाँ क्या रख देंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी के स्थान पे क्या रख देंगे, पी बी नॉट एक्स बी। बोलो तो रखोगे, पी ए नॉट क्या रखेंगे, एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो अब जरा देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने एक्स ए के स्थान पे क्या रखा था, हमने बोला एक्स ए बराबर 1 - xb रखा था, लेकिन अब किर वाले वीडियो में हम एक्स बी के स्थान पे रख रहे हैं, एक्स बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1 - xa रख सकते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पे हम रख रहे हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी के स्थान पर 1 - क्या रख दो भाई, एक्स ए। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए तो रहेगा ही, प्लस ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये है क्या पी ए नॉट एक्स ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए माइनस, इसको इधर लेते हैं, पी बी नॉट एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा भाई, पी बी नॉट, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी बी नॉट, यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे पी ए नॉट, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, एक्स ए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें दिया हुआ है। तो कैसे आ रहा है, कुछ नहीं, वो चेंज कर दिया बस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ये वाला इक्वेशन कि P टोटल जो होता है वो होता है पी ए नॉट प्लस, ब्रैकेट में हमने बताया था पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और ब्रैकेट में एक्स बी बताया था, ठीक है ना। लेकिन इस वाले वीडियो में देखिए, यहाँ पी ए नॉट का स्थान पी बी नॉट हो गया, यहाँ पी बी का स्थान पर पी ए हो गया, और पी ए का स्थान पर यहाँ पी बी हो गया। तो ये बस किसी इसी पर खेल है, इन दोनों में से कोई भी चेंज करेगा तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन किसी तरीके से बदल दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो जाती है। अब देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए, ये तो वोलेटाइल केस का बात होगी, ठीक है। तो वोलेटाइल केस पिछला वाला भी बता दिया, आज भी मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैंने इस चीज़ को समझा दिया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा वोलेटाइल केस का था, और नॉन वोलेटाइल केस की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा थी, दोनों अलग अलग कंपोनेंट लिए थे, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट लिए थे और अलग अलग की बात हो गई। अब मैं नॉन वोलेटाइल केस की बात कर ले रहा हूँ। नॉन वोलेटाइल केस का मतलब होता है कि थोड़ा मात्रा उसमें सॉल्यूट की प्रेजेंट है, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे मान लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट जल्दी से ना हो, बहुत समय बाद हो, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल में हमने बोला था कि जो भी सॉल्यूशन होगा, चलिए हम मानते हैं ये क्या है आपका, ये पक्का आपका प्योर सॉल्वेंट है, समझिए ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको हमने बताया है, इसको पी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, ये प्योर सॉल्वेंट है, ए भी नहीं केवल प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको हम पी नॉट मानेंगे। अब आप कहोगे कि चलो पी नॉट कितना है, 100 वेपर प्रोड्यूस हो रहा है,
तो कहोगे सर एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ी सी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, NaCl से लेके या कोई भी चीज़ आप डाल दीजिए जो नॉन वोलेटाइल है। जब आप नॉन वोलेटाइल डालोगे तो देखो जो ये वेपर प्रोड्यूस हो रहे थे, ये 100 वेपर थे, मान लो ये 100 हैं, तो क्या वो 100 वेपर में जो सॉल्यूट की मात्रा आएगी वो क्या करेगा, इसके वेपर को रोकेगा, मतलब इसके सरफेस को कवर करेगा, चाहे वहाँ कवर करे चाहे नीचे कहीं ना कहीं, तो इस जो सॉल्यूट है ये किसको कवर कर रहा है, ये उसी प्योर सॉल्वेंट के सरफेस को कवर कर रहा है, जिसके कारण क्या अब वो 100 वेपर प्रोड्यूस होंगे, नहीं, अब वो क्या हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, एक्स का मतलब समझिए 100 में से मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल कितने गए हैं 10 गए हैं, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब ये है 90 वेपर अब प्रोड्यूस होंगे किसके, सॉल्वेंट के, और 10 किसके, ये सॉल्यूट के हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो सॉल्यूट के वेपर, जो सॉल्यूट गया है, जो सॉल्वेंट के वेपर को रोका है, सॉल्वेंट के वेपर को कौन रोका है, सॉल्यूट, इसका मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि सॉल्यूट जब ऐड किया गया है सॉल्यूशन में तो वही उसी का वेपर जितना होगा वही सॉल्वेंट का वेपर होगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह किसका वेपर है भाई, PS मतलब सॉल्यूशन का। और मैंने आपको बोला था कि जो सॉल्यूशन का वेपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के, ठीक है ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, सॉल्वेंट के। और क्यों सॉल्वेंट के, क्यों सॉल्वेंट के, क्योंकि उसी सॉल्वेंट के वेपर को सॉल्यूट ने क्या कर दिया, दबा दिया है, तो जितना वो डिप्रेस हुआ है, जितना वो कम हुआ है ना, रिलेटिव लोअरिंग हुई है जितना उस सॉल्वेंट की, किसके कंपेयर में, उस सॉल्यूट के द्वारा, वही उसका डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। अभी देखिए मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो जो रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, सॉल्यूट के। और मैंने आपको सॉल्व किया पिछले वीडियो, तो मैंने आपको बताया कि PS इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P naught XA, पहला वाला सॉल्यूट था। और हमने आपको बताया था इसको कि पूरा आप पिछले वीडियो में देखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P naught माइनस क्या, PS, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपान क्या, P naught इक्वल टू क्या, 1 माइनस XA लिखा था, तो 1 माइनस XA को हमने क्या लिखा था बाद में, X2, ठीक है। इसका यह मतलब है कि डायलूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा तो कम है लेकिन है जरूर सॉल्यूट की मात्रा उसमें, तो उसमें हमने बोला था कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, X2 आ गया ना, XS चले थे, XS चल के कहाँ चले गए, XB आ गया, मतलब हमने कहा था सॉल्वेंट से चलेंगे और क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्यूट। क्योंकि आप बात समझिए, ये जो सॉल्यूट मिल रहा है वो रिलेटिव लोअरिंग आप वेपर प्रेशर के क्या इक्वल है, मतलब वो जो 10 सॉल्यूट गया है वही उस वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, या उस लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या किया है, दबा दिया है। तो हम तो उसका नहीं निकाल पा रहे हैं कितना कम हुआ, लेकिन इतना जरूर डाल रहे हैं कितना सॉल्यूट उसमें ऐड किए। तो XB अगर हमको मालूम चल जाए तो हम जान जाएंगे कि इसका मतलब उतना ही सॉल्वेंट हमने, मतलब उतना ही सॉल्वेंट दबा है, उतना ही सॉल्वेंट का वेपर घटा हुआ है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन नरेंद्र अवस्थी में दिया हुआ है कि बताइए ये ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें एक ऑप्शन उसमें दिया है कि फॉर ए डायलूट सॉल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए, फॉर डायलूट सॉल्यूशन। देखिए बाद में आप कुछ लोग कहेंगे सर XB इक्वल टू जो होता है NB अपॉन NA प्लस NB होता है, आपने ये भी बताया है, और आपने बोला है कि अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है तो NB अपॉन NA हो जाता है, बिल्कुल मैंने जो बताया वो भी सही, लेकिन सॉल्यूट की मात्रा बहुत, मतलब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं बल्कि मच डाइल्यूटेड है, और ऐसे केस में अगर ये रहता है तो NB/NA हो जाएगा, जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा ऑप्शन अगर देता है तो आपको स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा वो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ठीक। अब ये बात हो गई किसकी, पिछले वाले लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो गई, कि चलिए लिक्विड सॉल्यूशन में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हमने केस की बात किया था। आज हम जो बात करेंगे वेपर की बात करेंगे कि वेपर फेज में कैसे होगा, क्या वही सॉल्यूशन जो आपने देखा है इंडिविजुअली, ये आपने जो देखा है कि ये अलग अलग सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था, और ये अलग अलग सॉल्यूशन क्या कर रहे थे, ये अलग अलग सॉल्यूशन थे,
तो ये पी ए निकाल रहे थे, पी ए बराबर क्या निकाले थे हमने, पी ए नाट एक्स ए, और इसके लिए हमने निकाला था पी बी इक्वल टू पी बी नाट एक्स बी। और हमने बोला अभी आपने देखा है पी टोटल हमने जब जोड़ा है तो क्या निकला है, पी ए प्लस पी बी, आपने ये देख लिया। ये लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली निकाल के जब इनको ऐड किए तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर मिल गया। तो कोई बात नहीं, लिक्विड थे अलग अलग निकालिए। लेकिन ये बताइए अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, ठीक, और मिलाने के बाद मिला रहे इनको जब हीट कर रहे हैं तो इनका वेपर भी तो बन रहा होगा, इनका क्या बन रहा होगा, ये बी टाइप का कंपोनेंट है तो इनका वेपर बन रहा होगा। जो इनका वेपर बनेगा ना इसे, ये लिक्विड से, ये लिक्विड स्टेट है ध्यान दीजिए, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वेपर बन रहा है। तो ये जो वेपर बन रहा है इनका, ये ए टाइप का वेपर है ये वाला, और ये बी टाइप का वेपर है। तो ये जो वेपर बन रहा है क्या वो भी उसी टाइप से होगा जैसे हमने इसके बारे में निकाला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको हमने बताया है कि जो पी ए है वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर है, क्योंकि वो प्योर साल्वेंट था और ये उसी साल्वेंट का क्या है, ये उसी साल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वेपर में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे ऐड हैं, इसलिए जब यहाँ मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का, जैसे ए का निकालेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा, लेकिन एक्स ए को हम एक्स ए से सेम नहीं करेंगे तो एक्स ए के स्थान पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई ए। इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वहाँ क्या लिखेंगे, वाई ए। कुछ किताबें उसको ऐसे लिख देती हैं कि एक्स ए और वी लिख देती है, मतलब वेपर फेज का है, ठीक। तो आप हम वाई ए लेके चलेंगे, आप इसको भी कन्फ्यूज मत होइए इसका क्या मतलब है, ठीक। अब देखिए ये पी ए नाट क्या था, प्योर साल्वेंट का वेपर प्रेशर, लेकिन हमने क्या बोला ये सॉल्यूशन का है क्योंकि इसमें दोनों या जितने भी कंपोनेंट होंगे सब प्रेजेंस हो, इसलिए ये पी ए नाट के स्थान पे इसमें जो आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, पी टोटल बोलेंगे। तो बताइए अगर मैं वेपर फेज में पी ए निकालूँ, पी ए वेपर फेज में निकालता हूँ, तो मैं बस वही ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वेपर फेज में पी ए निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा भाई, वो मोल फ्रैक्शन आप उसी कंपोनेंट के, और क्या आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी टोटल, मैंने बता दिया पी टोटल क्यों आया है। और अगर मैं बी के बारे में बात करूँ तो बी भी क्या हो जाएगा, वाई बी इजकल टू पी, सॉरी वाई बी इंटू पी टोटल आ जाएगा। तो ये वेपर फेज में इक्वेशन याद रखिएगा, ये भी इक्वेशन आता है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम आगे लेके सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब हम निकालते हैं पहला वाला, आपने पी ए और वेपर फेज की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिया है वी ए और ये है क्या आपका पी टोटल। तो वेपर फेज में भी ये पी ए हमने पहले ही बताया वेपर फेज है, पी ए जो है, पी ए बराबर क्या है रियल में, वो पी ए ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे और ये जो है वाई ए, ये वाई ए, अगर इसी वाई को निकालना हो मुझे तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर मुझे वाई ए निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, ये जो पी ए वेपर है मतलब पी ए है ये, तो पी ए अपन क्या कर दूँगा, पी टोटल कर दूँगा, वेपर फेज में है वो। और इसको या तो रख लें या तो इसको, तो हम इसको लेके चल रहे हैं जिससे आपको सुविधा रहेगा, अगर ऐसा कहीं दिया होगा तो आप समझ लीजिए कि वेपर फेज है, ठीक है। तो पी ए, आप एक चीज़ बताइए, वाई ए इजकल टू क्या होता है, पी ए के बराबर। अभी हमने आपको बताया पी ए इजकल टू होता है हमारा पी ए नॉट एक्स ए, ये तो मैंने आपको बताया है। तो बताइए पी ए का स्थान पर क्या रखूँगा, पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि ये भी तो उसी से निकला है लिक्विड से, तो पी ए के बराबर क्या है इतना। और टोटल सोल्यूशन का क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो जरा देखिए इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो लिख सकता हूँ पी ए नॉट एक्स ए अपान, और पी ए का स्थान पर फिर से क्या रखूँगा भाई, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं वाई बी निकालना चाहूँ यहाँ से तो वाई बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, वाई बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए पी बी अपान पी टी, मतलब यहाँ पी ए बाई पी टी था तो यहाँ हो जाएगा पी बी अपान पी टी, ठीक है। वेपर फेज में तो वो भी यहाँ लिख दें जैसे यहाँ पे लिखे हैं, या तो उसी टाइप से पी ए का स्थान पर पी बी लिख दें सीधे। तो अब जरा देखिए पी बी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी के बराबर मैं लिख सकता हूँ पी बी नॉट एक्स बी डिवाइड बाई, ये तो कंपोनेंट सेम रहेंगे, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी मतलब सेम रहेंगे, ठीक है। तो पी ए नॉट एक्स ए अपन पी ए प्लस पी बी लिख सकता हूँ, या इसी को इक्वल करके लिख दे रहा हूँ पी बी नॉट एक्स बी अपान पी ए नॉट एक्स ए प्लस
पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो एक तो आपको ये मिल गया और एक आपको ये मिल गया। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी के केस की मैंने बात कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और आगे के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, या एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास नरेंद्र अवस्थी होगा, तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के आधार पे, तो बहुत सही क्वेश्चन दिया है। उसमें क्वेश्चन में क्या कर दिया है, उसने बोला है कि सपोज कि पी ए नॉट ग्रेटर है किससे, पी बी नॉट से, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन फंसा सकता है, किसी तरीके से दे सकता है। तो कह रहा अगर मान लेते हैं कि पी ए नॉट पी बी नॉट से क्या है, बड़ा है, तब क्या होगा। तो उसमें चार ऑप्शन दिए, उसने पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर पी ए नॉट पी वी नॉट से बड़ा है तो हम इस इक्वेशन को तो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा। देखिए क्या, पी ए नॉट एक्स से रहने देते हैं भैया, लेकिन वहाँ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास क्या है, वाई ए है। तो वाई ए इजकल टू इस पी ए नॉट एक्स ए का स्थान पर जानते हैं क्या करेंगे, हम एक्स ए को ऊपर रख रहे हैं और ये जो पी ए नॉट एक्स ए है उसे पी ए नॉट को डिवाइड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये पी ए नॉट एक्स ए अपान पी ए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, ये पी बी नॉट अपान पी ए नॉट और ये हो जाएगा क्या, एक्स बी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, वहाँ बचेगा एक्स ए अपान या ये पी ए नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी और ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी बी नॉट अपान पी ए नॉट, ठीक है, ये बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या पी ए नॉट ग्रेटर देन किससे, पी बी नॉट से। तो ये जो पी ए नॉट है ये अगर बड़ा होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है अगर ये बड़ा हो रहा है तो ये रियल में इसका डिनोमिनेटर है लेकिन ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है मतलब ये ऊपर जाएगा, तो इस पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से बड़ी हो जाएगी। अगर पूरी वैल्यू एक से बड़ी हो जा रही है तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई ए, अगर ये पूरी वैल्यू एक से बड़ी हो रही है तो पूरी वैल्यू किसके बराबर है, वाई ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई ए अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, या इसको और एक बार लिख दे रहे हैं, वन अपान एक्स ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं पी वी नॉट अपान क्या, पी ए नॉट, ठीक है। ये तो हम ये कह रहे हैं ये पूरी वैल्यू किससे बड़ी है, वन से, तो अगर पूरी वैल्यू वन से बड़ी है तो मतलब ये वैल्यू पूरी इसी के बराबर है, तो ये भी वन से क्या है, बड़ी है, मतलब वाई ए अपन एक्स ए किससे बड़ी है, वन से। तो बताइए वाई ए एक्स से क्या होगा भाई, बड़ा होगा कि नहीं, तो वाई ए एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, वाई ए एक्स से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं। अगर मैं वाई बी की बात करूं तो वाई बी में मैं अगर सॉल्व करता हूं, देखिए पी बी नॉट नीचे चला जाएगा पी ए नॉट के और यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे देखिए हो जाएगा एक्स बी अपान और यहां पे हो जाएगा पी ए नॉट डिवाइड बाई पी बी नॉट, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये पी बी नॉट नीचे रख दे रहा हूं एक ब्रैकेट में और यहां लिख दे रहा हूं एक्स ए प्लस एक्स बी, क्योंकि ये पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे पी ए नॉट की वैल्यू बड़ा है, अब की बार ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू मतलब बड़ी है वैल्यू, तो हो जाएगा क्या वाई बी डिवाइड करेंगे किससे, एक्स बी इक्वल टू वन अपान ये पी ए नॉट अपान पी बी नॉट ये ब्रैकेट में है एक्स ए प्लस क्या एक्स बी। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू एक से क्या है, छोटी है, तो ये पूरी वैल्यू एक से छोटी नहीं क्योंकि इसी के बराबर है। तो अगर ये पूरी वैल्यू एक से छोटी है तो वाई बी अपन एक्स बी में क्या हो जाएगा भाई, तो ये ज़रा देखिए वाई बी अपन एक्स बी इज लेस देन वन या वाई बी इज लोअर देन एक्स बी। तो यहाँ पे ज़रा देखिए वाई बी क्या हो गई, ये इक्वेशन एक मान लेते हैं, ये इक्वेशन दो मान लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए वाई बी छोटा हो गया एक्स बी से, ठीक है ना। तो अगर ये वाई बी छोटा हो गया एक्स बी से तो ज़रा देखिए दोनों में वाई ए अपान एक्स ए और ये क्या हो जाएगा अपान वाई बी और इसको क्या लिखेंगे एक्स बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए ये आएगा, लेकिन आप बताइए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे वाई ए अपान वाई बी
इज ग्रेटर देन एक्स ए अपॉन एक्स बी। अब पूछिए क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि एक्स बी की वैल्यू वाई बी से बड़ी है, तो अगर एक्स बी की वैल्यू वाई बी से बड़ी है तो वन अपॉन वाई बी की वैल्यू वन अपॉन एक्स बी से बड़ी होगी। बात समझ में आ रहा? हमने कहा एक्स बी की वैल्यू, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है एक्स बी, तो ये अलग अलग है, अभी अलग अलग है, ठीक है। ये आपका जो दोनों इक्वेशन था, तो ज़रा देखिए एक्स बी की वैल्यू अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन एक को दो से, तो क्या हो जाएगा, वाई ए अपन वाई बी इज ग्रेटर देन एक्स ए अपन एक्स बी, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर एक्स बी की वैल्यू बड़ी है वाई बी से, तो मतलब वन अपन एक्स बी की वैल्यू हो रही है, तो वन अपन एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना वन अपन वाई बी से, तो वन अपन वाई बी या वाई ए ये बड़ा हो जाएगा किससे, एक्स ए या अपन वन अपन एक्स बी से, तो ये ऑप्शन में सही आ जाएगा। इस टाइप से नरेंद्र दोस्ती में भी क्वेश्चन इसको दिया गया है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, और बहुत इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व होते हैं, सॉल्व कराएंगे हम। तो अब ये बात समझ में आ गई कि राउल्ट्स लॉ का वेपर फेज क्या होता है। आज हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में थोड़ा सा समझ तो लिए हैं, लेकिन राउल्ट्स लॉ में जो मेन चीज़ें हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है। तो ज़रा देखिए राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। जब हम किसी आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं ना कि हमारे पास एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इन कंपोनेंट को हम मिलाएंगे ना आपस में तो एक सॉल्यूशन बनेगा यार, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, हमने कहा कि इसमें ये वाला कंपोनेंट छोड़िए ये, और इसमें ये टाइप का है, ये बी टाइप का, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन बना होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ए कंपोनेंट है इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इन दो सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट के बीच में ये जो सॉल्यूट है इसमें जो फोर्स लग रहा है, किसका, सॉल्यूट का जो फोर्स है, ये फोर्स जो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में लग रहा है ये नियरली इक्वल होगा किससे, ये जो मान लीजिए ये सॉल्यूट है कम मात्रा और ये सॉल्वेंट है, तो ये जो होगा वो सॉल्वेंट की मात्रा के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो सॉल्वेंट के फोर्स के बराबर होगा। और यही बार नहीं, जो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन था, वही इंट्रैक्शन ये जब सॉल्यूशन बना होगा तो सॉल्यूशन में बनेगा, जो कि ये पूरी वैल्यू इक्वल होगी एफ सॉल्यूट और एफ सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो प्योर सॉल्यूट थे और जो ये प्योर सॉल्वेंट थे, जब इनको ए कंपोनेंट माने इनको बी कंपोनेंट माने, तो ये जो प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बल्कि अब सॉल्यूशन बन चुका है, इनका इंट्रैक्शन भी इसके लगभग क्या था, समान था। तो अगर इनका इंट्रैक्शन इसके क्या लगभग समान था, तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे समझेंगे आइडियल सॉल्यूशन को। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा टर्म लिखा है किताब ने कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज आर सो सिमिलर टू अनदर दैट replacing molecules of one species with molecules of an other species will not change in spatial structure or intermolecular interaction। लेवाइन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि कोई भी स्पेशियल स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हो रहा है। स्पेशियल स्ट्रक्चर चेंज का मतलब इसमें जो डेल्टा मिक्सिंग वी है वो क्या है, जीरो है, उसमें वॉल्यूम का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और फिर बोल रहा है उसमें कि इसमें जो स्ट्रक्चर दूसरा कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, मतलब फोर्स की बात कर रहा है, वो चेंज नहीं होगा। और हमको पता है कि किसी फोर्स से ही उसमें इंटरनल एनर्जी जनरेट होती है मॉलिक्यूल में, तो कह रहा है कि अगर डेल्टा मिक्सिंग वी जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा मिक्सिंग मिक्सिंग एंथैल्पी यू, डेल्टा यू भी क्या है, जीरो है। तो अगर डेल्टा मिक्सिंग यू जीरो है तो हमको एक इक्वेशन आता है डेल्टा एच, सीधे क्या लिखते हैं, एच इक्वल टू पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पी
सॉरी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं पी डेल्टा वी। तो आप मुझे बताओ कि जब डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू मिक्सिंग, वहाँ पे मिक्सिंग की बात हो रही, यहाँ पे भी अगर एच यहाँ मिक्सिंग लेंगे तो ये भी मिक्सिंग हो जाएगा, ये भी मिक्सिंग हो जाएगा। अभी मैं इस चीज़ को समझाऊँगा कायदे से। तो ज़रा ये बताइए, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा भी, ये भी तो जीरो है तो इसका मतलब पी डेल्टा भी जीरो हो जाएगी। तो बताइए अगर ये सब जीरो हो जाएगा तो डेल्टा मिक्सिंग एच जो होगा वो भी तो जीरो हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस इक्वेशन से पता चल गया कि हमारी जो एंथैल्पी होती है वो जीरो होगी और इस समय टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हुए तो एंथैल्पी भी जीरो होती है। तो आप कहते हो कि नॉन आइडियल के केस में हमारा डेल्टा मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा मिक्सिंग यू एंथैल्पी डेल्टा यू जीरो होता है, लेकिन यू को छोड़ दो, इंटरनल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझ लो। और बोलते हैं आप डेल्टा मिक्सिंग एच वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ये पूरी बात कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं गिब्स एनर्जी की बात करते हैं। देखिए जब ये जीरो है तो आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अगर ये वैल्यू पूरी जीरो है और आपकी ये भी वैल्यू क्या है, पूरी जीरो है, तो ये पूरी की पूरी डेल्टा एस अगर जीरो तो टी डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, और ये तो पूरी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये पैरामीटर यहाँ काम नहीं करता, वाइडल इक्वेशन का, थर्मोडायनेमिक्स का। तो पता चलेगा हम वो पैरामीटर रखेंगे कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर हम अभी डेल्टा एस के बारे में आइडिया नहीं है तो डेल्टा एस की अभी बात मैं कर रहा हूँ कि डेल्टा एस में क्या है। देखिए आइडियल में यहाँ पे यही, इसी में बहुत कंफ्यूजन था, मैंने पूरी किताब को पढ़ा, सारा चीज़ देखा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता डेल्टा मिक्सिंग एस जीरो हो गया, डेल्टा मिक्सिंग एस जीरो हो गया, आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या, ये ऐसे नहीं बात होती है। ठीक है, किताबें बस उठा के रख देती हैं, लोग बताना स्टार्ट कर देते हैं उसी पैरामीटर के आधार पे, लेकिन वो पैरामीटर कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करेंगे, वो समझा लेंगे, तब ये चीज़ें पूरा समझ में आएंगी कि रियल में ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो समझाएं उसको समझिए। अब मैं थोड़ा से उन चीज़ों को समझाऊँ जिससे आपको एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर समझ में आए, और मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट रीज़न उसमें क्या है। देखिए जब हम किसी दो सोल्यूशन की बात करते हैं तो दो सोल्यूशन के बात करने पे वहाँ पे हमको केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात करनी होती है। अब आता है कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। केमिकल पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो गिब्स एनर्जी, जो फ्री गिब्स एनर्जी चेंज हो जाता है, फ्री एनर्जी जो गिब्स की डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो कितना चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, उसके बाद वो टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ जितने कंपोनेंट होते हैं उसमें कितना कांस्टेंट रखा जा रहा है और क्या क्या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी चेंज और उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो अब हम उसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है दूसरा सोल्यूशन ये है। ठीक, अब इस ये क्या है मेरा, अगर ये मान लीजिए एक कंपोनेंट है जिसका G1 होगा, H1 होगा और क्या होगा, V1 होगा, तो ये भी क्या होगा, G2 होगा, H2 होगा और V2 होगा। जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे ना, एक दूसरे में मिक्स करेंगे, तो मिक्स्ड करने के बाद देखिए ये जो मिक्सिंग होगी तो उसी को हम बोल देंगे G2 माइनस G1 कितना होगा। तो इसको चूंकि ये मिक्सिंग हो रही है तो हम बोलेंगे डेल्टा मिक्सिंग जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1। ठीक है, यही डेल्टा मिक्सिंग जी होती है। तो इस डेल्टा मिक्सिंग जी की जो मैं बात करूं उसी टाइप से एच की बात करूंगा, वी की बात करूंगा, तो डेल्टा मिक्सिंग अगर मैं एच की बात करता हूं तो ये H2 माइनस क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और डेल्टा मिक्सिंग वी की बात करूं तो वे V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया कि रियल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको दूसरे तरीके से भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक, तो अब ज़रा देखिए ये समझ में आया। तो अब ये आइडियल सोल्यूशन की मैं बात करूँगा, लेकिन एक्चुअली मैं जो समझाना चाहूँगा उसको नॉन आइडियल में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि है क्या ये। तो उसी को हम बोलेंगे कि डेल्टा मिक्सिंग जी
और डेल्टा मिक्सिंग एच, डेल्टा मिक्सिंग वी, ये सारे सर जी टू माइनस जी वन, एच टू माइनस एस वन, वी टू माइनस वी वन। तो इनके बीच में जब इनको ऐड किया गया है, इनके बीच में अगर गिब्स एनर्जी का बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एच टू माइनस वन का चेंज नहीं है, वी टू माइनस वी वन का चेंज नहीं है, तो क्या होगा? तो वही हमने बोला कि इनके बारे में एच टू माइनस वन का बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब अगर हम इनको ये कहता हूँ कि ये भी 50 किलो जूल मोल एनर्जी रही होगी, ये भी 50 किलो जूल मोल एनर्जी रही होगी, इतनी एनर्जी मान लीजिए ए ए बॉन्ड है और ये बी बी बॉन्ड है, ठीक है, इसके बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी है, इसके बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी है, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट ए बी बना होगा तो जितना एनर्जी इसके बॉन्ड को तोड़ने में, इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगी है, उतनी ही एनर्जी इसके बॉन्ड को फॉर्मेशन में लगी होगी। तो अगर आप इनको इंडिविजुअली काउंट करते हैं कि 50 इसमें लगा, 50 इसमें लगा, तो टोटल मिला के 100 लगा, तो आप इसको बोलेंगे इसका मतलब जो डेल्टा फार्मेशन रहा है वो भी कितना है, 100, कि मतलब जो एंथैल्पी या फार्मेशन लगा होगा वो कितना है, 100 किलो जूल मोल एनर्जी लगी होगी, क्योंकि ये 50 किलो जूल मोल एनर्जी ब्रेक करने में गई है, ये 50 किलो जूल मोल एनर्जी ब्रेक करने में गई है, तो 100 बनी। तो क्या कोई चेंजेस आया एनर्जी में? नहीं आया, इसलिए हमने बोला एंथैल्पी चेंज क्या है, यहाँ पे जीरो है, डेल्टा एच क्या है, जीरो है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले बताया सल्यूट सल्यूट का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बराबर है, और ये बराबर होने से सल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन भी बराबर था। तो देखिए आपको मैं इजी वे में तो समझा दिया कि 50 ये लगा, 50 ये लगा और 100 ये आ गया, आपको समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग समझाए भी हैं, हमने देखा है कि इस टाइप से लोग समझाते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है कि ये जब जो सल्यूट है ना, इस सल्यूट के इंट्रैक्शन में, सल्यूट के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अगर 50 किलो जूल लग रही है, तो इस सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी 50 किलो जूल लग रही है, तो ये सल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी 50 ही किलो जूल लगेगा, 100 किलो थोड़ी लगेगा। अरे यार, एक पानी है और उसको उसका मतलब हीट 50 किलो जूल मोल एनर्जी है, और दूसरा भी 50 किलो जूल, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या वो 100 बढ़ जाता है? क्या एंथैल्पी इस टाइप से चेंज होता है, जबकि हम बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है? तो इस टाइप से नहीं होता, तो वो 85 किलो जूल होता है। लेकिन आप समझने के लिए जैसा भी समझना चाहिए समझ लीजिए, मतलब एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन ये होता है, ठीक। अब डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया। जैसे ये बात हो गई पैरामीटर की, उसी टाइप से हम डेल्टा मिक्सिंग एस की भी बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन हो जाता है, ठीक है। तो एस टू माइनस एस वन मतलब दूसरे वाले कंपोनेंट का क्या है, पहले वाले कंपोनेंट का क्या है? तो ये तो मैंने डेल्टा मिक्सिंग की बात किया है, लेकिन डेल्टा मिक्सिंग के बाद जब मैं नॉन आइडियल की बात करूँगा, तो नॉन आइडियल में मैं इसकी बात नहीं करूँगा, एक्सेस की बात करूँगा। एक्सेस किसे कहेंगे? जैसे मान लेते हैं जी है, ठीक है, तो गिब्स एनर्जी जो चेंजेज आ रहा है डेल्टा जी एक्सेस में कितना चेंज आ रहा है, तब वहाँ पे हम निकालेंगे जब कि गिब्स एनर्जी जो एक्सेस में चेंज आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे कि डेल्टा मिक्सिंग जो जी होगा माइनस डेल्टा मिक्सिंग जो जी होगा, और यहाँ लिखेंगे आईडी, मतलब आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ साफ साफ बताना चाहता हूँ इस इक्वेशन से कि राउट्स के दो ला हैं, आइडियल मतलब राउट्स ला जो होता है उसमें हम जब पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन तो अभी मैं बता दूंगा, सेटिस्फाइड कर दूंगा, ठीक, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वह कुछ और नहीं होता है, उसी आइडियल बिहेवियर से जितना डेविएट करता है वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर, या नॉन आइडियल मिक्सचर बोलते हैं, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हम इसी आइडियलिटी से उसका कंपेरिजन करेंगे, उस आइडियलिटी से या तो वो बढ़ जाएगा या तो वो घट जाएगा, तो कितनी एक्सेस होगी। एक्सेस का मतलब कि आइडियलिटी से कोई चीज़ बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ी, कितनी बढ़ी, एक्सेस हुई, कितनी एक्सेस हुई, वो एक्सेस निगेटिव हो रही है, वो एक्सेस पॉजिटिव हो रही है, उन्हीं के आधार पे हम इसको ड्राइव करते हैं, डिफाइन करते हैं। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है जब तक हम केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करेंगे, केमिकल पोटेंशियल को समझाएंगे नहीं। लोअर लेवल पे मतलब
यहाँ पे इंटर लेवल पे जनरली ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आईआईटी लेवल पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं या पूछ ली जाती हैं, लेकिन हायर लेवल पे और भी इससे हायर लेवल पे वहाँ केवल केमिकल पोटेंशियल से बात होती है, एक्टिविटी कोफिशियंट से बात होती है, एक्टिविटी क्या होता उससे बात होती है, उन्हीं के आधार पर हम सारे पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, ना कि ऐसे ही बोल दिया जाता है। जो लोग पढ़ाते हैं जो भी करते हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं, किताबों में जो वैल्यू दिया है बस बता देते हैं ये हो गया, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है उसके बारे में बात नहीं होती है। तो मैं तो बहुत सारा चीज़ नोट्स पढ़ा और किताब से पूरा मैंने देखा क्या क्या पढ़ाना क्या बताना, लेकिन मैं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा और जिसको नीड होगी बाद में मैं उस लेक्चर को कम्प्लीट कर दूँगा, डाल दूँगा। आज मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके लेवल पे जितना ज़रूरी है उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिसको नीड होगी कम से कम 10 लोग 20 लोगों का अगर नीड होता, हाँ सर हम जानना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए इंडिविजुअल अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी ऐसे मत समझ लीजिएगा देखो ये होता है वो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब चीज़ उसके आइडियल बिहेवियर से कंपैरिजन के आधार पर होता है, कंपेयर करने के आधार पर होता है। दूसरी बात, किसी पैरामीटर को केमिकल पोटेंशियल से डिफाइन किया जाता है, उसकी एक्टिविटी से डिफाइन किया, एक्टिविटी कोफिशियंट से, ठीक। अगर ये पैरामीटर आपको नहीं पता है तो केवल आप बस रट के चलिए वही काम होगा, नहीं तो आप कुछ जानते नहीं हैं इसके बारे में और इसके बारे में डिस्कस करना आप सीधे बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये मान के चलिए। क्योंकि मैं कई जगह कंट्रोवर्सी देखा हूँ लेवाइन और हटके में कि वहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज था और मुझे लगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो कंसंट्रेशन टर्म की बात करता है। एक जगह में बोलता है एंथैल्पीज की ज़्यादा है एटकिंस बोलता है, लेकिन लेवाइन में एंथैल्पी को कम दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली वह कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। एक जगह उसने बोला है कि नहीं ये जो है 0.5 पे वो लेके चल रहा है कि 0.5 का मिक्सचर है वो, तो उसकी एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। 400 किलो जूल मोल एनर्जी उसमें निकल रही है, मतलब माइनस डेल्टा एच हो रहा है, और 1200 किलो जूल एनर्जी लग रही है तो उसकी अलग बात हो रही है, तो उससे उसका माइनस माइनस प्लस कर दे रहा है। वह वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू अलग होती है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ना पड़ा। और तब तो आज मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ, कोई अगर बहुत कुछ पूछे और आपको जानकारी दे, या तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोलिए हाँ मुझे समझ में आता है, इतनी ज़रूरत है, ठीक, या तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपको नीड है। अब जरा हम देखते हैं कि ये आइडियल बिहेवियर क्या है, आइडियल सोल्यूशन क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है जिसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपसे बताया आइडियल सोल्यूशन का मतलब वो सोल्यूशन होता है जिसमें मेरी गिब्स एनर्जी क्या होती है वो जीरो होती है, निगेटिव होती है, मतलब किससे, जीरो से कम होती है, डेल्टा जी जो होता है। आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आपको वही डाटा नोट कर लेना है, ठीक। तो आपको मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट सॉल्यूट के इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उनके इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और उसके स्पेशियल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, या उसके इंटरमालिकुलर फोर्सेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, या इंटरनल एनर्जी उनकी जीरो होती है। टेम्परेचर चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर कोई चीज़ पैरामीटर प्रेशर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो वो एंथैल्पी बन जाती है, मतलब एंथैल्पी भी जीरो होती है। इसका मतलब फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ये लिखेंगे कि हमारी जो डेल्टा मिक्सिंग वी है वो क्या है, जीरो है। डेल्टा मिक्सिंग जो हमारा एच है वो भी जीरो है, क्योंकि डेल्टा मिक्सिंग मेरी यू क्या हो गई थी, जीरो। और इस इक्वेशन को मैंने बताया डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो ये पूरी की ये वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये अगर जीरो है, ये भी जीरो है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ से ही आए तो इसको हटा दे रहे हैं, तो ये वैल्यू भी जीरो है, डेल्टा एच भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और हमने आपको बताया डेल्टा मिक्सिंग एच, तो डेल्टा मिक्सिंग जो जी है वो लेस देन जीरो है, या हम इसको कहेंगे डेल्टा मिक्सिंग जी जो होती है वो निगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होगा, प्रोसीड होगा ये जब निगेटिव है, ठीक। तो आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, और याद रखिएगा कि जो एंथैल्पी चेंजेज है, एंथैल्पी जो चेंजेज है
डेल्टा मिक्सिंग सॉरी एंथैल्पी का एंट्रोपी जो चेंज होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ये ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं बताऊँगा। मैंने बताया कि ये जो मिक्सिंग एस है वो जीरो क्यों होती है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। दूसरी बात कि नॉन आइडियल में भी वो पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ भी आइडियल में भी पॉजिटिव और नॉन आइडियल में भी वो पॉजिटिव होगा, जबकि दोनों डिवीजन पॉजिटिव में भी और निगेटिव डिवीजन में वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसकी एक लंबी कहानी है तो उसकी बात नहीं करूँगा अभी। और अब आइडियल सोल्यूशन में एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल जैसे देखिए बेंजीन हुआ एंड टालुइन हुआ, ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल है। नॉर्मल हेक्सेन हुआ और नॉर्मल हेप्टेन हुआ, ये भी एग्जांपल हैं, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो है एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, C2H5Br हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और C2H5I हुआ। तो देखिए जरा इनमें लगभग लगभग इंट्रैक्शन सेम है, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन इनमें जो कोवेलेंट इंट्रैक्शन हो रही इनमें भी वही सेम इंट्रैक्शन हो रही। बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये भी इसका डाइपोल मोमेंट तो होता है लेकिन नॉन पोलर नेचर का ही ये भी है। तो इनकी अगर मैं बात करूँ इंट्रैक्शन लगभग लगभग सेम होते हैं, इनका भी सेम है लगभग लगभग, इसीलिए ये रियल में कोई सोल्यूशन आइडियल होता नहीं है, लेकिन हम एक फिक्स पैरामीटर के आधार पर मानते हैं, इसलिए ये आइडियल सोल्यूशन के बारे में मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब हमने आपको बताया था कि इनका जो पी ए है, इनका ये जो पी ए है और ये भी, ये वैल्यू क्या है, अगर हम इसको एक्स ए बराबर वन माने, एक्स बी बराबर जीरो माने, और यहाँ एक्स ए बराबर जीरो और एक्स बी बराबर वन, तो हमने बोला था यहाँ पे पी ए नाट हो जाएगा, ये पी बी नाट हो जाएगा। तो ये जो होगा ये पी ए होगा, ये जो होगा ये पी बी होगा, और ये हो जाएगा पी टोटल, जो कि पी ए प्लस पी बी के क्या हैं, बराबर हैं। तो इस टाइप के जो ग्राफ मैंने आपको बताया था, अगर इस ग्राफ को कोई सोल्यूशन फॉलो करता है, इस टाइप से चलता है, तो क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन सब सेम है, इसलिए ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यह आइडियल सोल्यूशन होगा। तो सिंपल में आप लिखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसी को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक। ये आइडियल सोल्यूशन का डिफिनेशन था, लेकिन मैंने इसके पहले भी डिफिनेशन बताया, जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात मैंने कहा, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं, वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, लेकिन आप बस यही लिखेंगे आइडियल सोल्यूशन में कि वह सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनमें ये सारे पैरामीटर इस टाइप से होते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे हम आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन की बात जब मैं ख़त्म कर लिया, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो ज़रा ध्यान देते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है। अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन पहले ही मैंने आपको समझा दिया है, नॉन आइडियल का मतलब ये मत समझिएगा कि वो कुछ और, बल्कि उसी आइडियल बिहेवियर से कितना ज़्यादा चेंजेज। और देखिए नॉन आइडियल जब हमको समझना है, तो चूंकि ये पूरी की पूरी कहानी राउल्ट्स लॉ की वेपर फेस पे डिपेंड कर रही है, तो पूरी कहानी वेपर फेस पे डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे नॉन आइडियल में दो चीज़ें होती हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम रियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें दो चीज़ें होती हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में, या तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, एक पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा आएगा हमारा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, निगेटिव जरा समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास कंपोनेंट एक है, ये कंपोनेंट बी है, ए बी दो कंपोनेंट हैं, ठीक। अब ये जो कंपोनेंट ए है और ये जो कंपोनेंट बी है, इन दोनों की कहानी ये है कि ए के बीच का इंट्रैक्शन और बी के बीच का इंट्रैक्शन, इन दोनों को जब मैं मिलाता हूँ, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि भैया ये ऐसे ही जाना चाहिए जैसे आइडियल सोल्यूशन कर रहा था, हमने ये सोचा था ऐसे जाना चाहिए, पी ए नाट एक्स ए इजकल टू वन, एक्स बी इजकल टू जीरो, एक्स ए बराबर जीरो, एक्स बी बराबर वन, और यहाँ पी बी नाट, हमने सोचा कि इसी टाइप से जाना चाहिए ना, लेकिन क्या ये इसी टाइप से जाएगा, हमने ये सोचा था, क्यों, क्योंकि लगभग ये इंट्रैक्शन सेम होंगे तो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, लेकिन कहानी उल्टा हो गया। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमारा ये सोल्यूशन बना, तो इनके बीच का जो ये सोल्यूशन बना, इसमें हम ये देखें कि ये जो ए टाइप का कंपोनेंट था और ये जो बी टाइप का कंपोनेंट था, मतलब ये और ये, तो ये ए टाइप का है और ये बी टाइप का है, और ये ए टाइप का था,
तो हमने देखा कि ए टाइप और बी टाइप के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। जैसे ये बॉन्डिंग, जैसे इनके बीच की ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आपस में इनकी, और इनके बीच की ये जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब इनसे हम सोल्यूशन बना दिए तो सोल्यूशन के बाद जब ये बॉन्डिंग बनी इनकी, तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं थी। इसका क्या मतलब था, जब ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी तो ये क्या कर गए, वेपर में कन्वर्ट होने लगे जल्दी से, मतलब एक दूसरे को रिपल करने लगे, एक दूसरे से दूर भागने लगे। जब एक दूसरे से दूर भागने लगे, रिपल होने लगे, तो ये जो बॉन्डिंग थी ए बी की, ये बॉन्डिंग मेरी कैसी हो गई, वीक हो गई। और ये बॉन्डिंग कैसी थी, स्ट्रांग थी, इसमें भी क्या थी, वो स्ट्रांग थी। तो जब ये बॉन्डिंग दूर, ये बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, ये भी स्ट्रांग थी, और ए भी कैसा हो गया, वीक हो गया, तो एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर भागने लगे। और दूर भागने से ए स्केप आउट होने लगा और बी अलग स्केप आउट होने लगा। तो हमने तो ये सोचा था कि 50 इसमें वेपर मिले हैं, 50 इसमें वेपर मिले हैं, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन बनने के बाद ही हमको कितने वेपर मिलेंगे, 50 मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली वो 50 नहीं मिले, 50 से क्या हो गए, ज़्यादा वेपर मिल गए। और 50 से ज़्यादा वेपर होने का ये मतलब था कि हमारा जो ग्राफ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा जाएगा। तो हमने देखा कि चूँकि ए यहाँ से हम इनको मिलाने के बाद हमने देखा कि रिपल्शन होने लगा ए और बी के, तो ए और बी से क्या होने लगा कि हमने सोचा ये ग्राफ जाएगा। लेकिन जब ये ए की मात्रा चुकी है इस इंट्रैक्शन में, ये इंट्रैक्शन ये वीक था बॉन्ड, तो ये इंट्रैक्शन टूटा, तो ए कंपोनेंट की मात्रा क्या होने लगी, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगी, और बी की मात्रा भी बढ़ने लगी। मतलब ए का वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, फिर किसका बढ़ने लगा, बी का बढ़ने लगा। और जब इन दोनों का बढ़ने लगा, तो चूँकि सोल्यूशन में ही है, तो सोल्यूशन में ए बी का भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो पहले ए ए का जो बॉन्डिंग था वो ठीक था, बी बी का जो बॉन्डिंग था वो भी ठीक था, लेकिन जब हम सोल्यूशन में मिला दिए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 50 वेपर प्रोड्यूस करा, ये भी 50 वेपर प्रोड्यूस करा, तो हम तो यही सोचेंगे। लेकिन सोल्यूशन में हमने देखा कि नहीं भैया, 50 वेपर नहीं, बल्कि ए ए 60 वेपर दे रहा है, बी बी भी 60 वेपर दे रहा है, और जब ये 60 120 हो जाएंगे तो पूरा पी टोटल जो होगा वो पे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आप तो 50 शौक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी इंट्रैक्शन थी, ठीक। तो इनमें अच्छा इंट्रैक्शन होने की वजह से ए ए ए के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से हमको 85 वेपर मिल पा रहे थे, बी बी वी के बीच में हमको 85 वेपर मिल पा रहे थे। लेकिन जब ए बी की बात हो गई तो इनकी इंट्रैक्शन से ये इंट्रैक्शन क्या ऐसा होगा, वीक हो गया। वीक होने की वजह से ये ए ए ए ए बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग ने, बल्कि ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करने लगे। तो ये चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि ये क्या लिखता है, ठीक। तो इसलिए ये जो है वेपर इंक्रीज होने लगा, वेपर इंक्रीज का मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होना, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि हमारा ये पॉजिटिव डिविशन। इसका मतलब यह है कि जब किसी सोल्यूशन की बात करूंगा, वह सोल्यूशन राउस लॉ के आइडियल सोल्यूशन से डेविएट होके ज़्यादा वेपर क्रिएट करने लगता है, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाने लगता है, तो उसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविशन फ्रॉम राउस लॉ। जो ये मैंने आपको केस समझा दिया, तो जैसे मैंने आपको यह केस समझाया है, सेम केस मेरा दूसरे वाले के लिए आएगा। और अब तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये बिल्कुल सेम होगा। बस ये जो ए ए इंट्रैक्शन था यहाँ पे, इनका इंट्रैक्शन वीक था, बी बी का इंट्रैक्शन वीक था, और जो ए बी का इंट्रैक्शन हुआ वो स्ट्रांग हो गया। अब आप कह रहे हो कि 50 वेपर इसमें बन रहा था, 50 वेपर इसमें, लेकिन जब ए बी बनने लगा तो इसमें हमने देखा 40 ही वेपर बना। इसका मतलब क्या है, ये 50 वेपर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सोल्यूशन के समय में आप जब देख रहे थे तो ए वेपर कम प्रोड्यूस हुआ, इसमें 40 ही वेपर प्रोड्यूस कर पाया, और बी भी 40 ही वेपर प्रोड्यूस कर पाया। तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि चलिए मानते हैं कि ये वैल्यू, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब ये कम है, चलिए कुछ भी मान लीजिए ये कम है और ये थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है मान लीजिए। तो हम ये सोच रहे थे कि इस टाइप से ग्राफ आएगा, राउल्स लॉ को फॉलो करते हुए आएगा, लेकिन रियल में ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया, और ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया हम जो सोच रहे थे। तो सोल्यूशन में एक जो है उसका वेपर क्या हो गया, पहले वाले कंपेयर से कम बनने लगा, इसलिए वो निगेटिव जाने लगा, ये भी निगेटिव जाने लगा, जिससे ये वाला सोल्यूशन भी निगेटिव जाने लगा। तो ये जो पी एन आर था और ये जो पी बी एन आर था, ये निगेटिव डिविशन क्यों शो किया, यह रीज़न था कि
ये सॉल्वेंट जब प्योर थे तो ज़्यादा वेपर बन रहे थे, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बन गए तो सॉल्यूशन में वेपर क्या ए का भी घट गया और वेपर बी का भी घट गया, जिसकी वजह से पूरी सॉल्यूशन का वेपर घट गया, ये ग्राफ इसको बताता है। अच्छा हाँ, इसको जो मैं बात कर रहा था ये नीचे है और ये ऊपर है। देखिए मान लीजिए एक कंपोनेंट जो 50, ये 50 वेपर दे रहा है और ये 60 वेपर दे रहा है, तो जिसका वेपर ज़्यादा होगा वो अगर आप ऊपर जाएगा, जिसका कम होगा आप नीचे। तो ये थोड़ा नीचे है, ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ये ऊपर, मतलब एक कंपोनेंट ए कम वेपर दे रहा है, कंपोनेंट बी अधिक वेपर दे रहा है। तो ये पॉजिटिव डिवीजन और निगेटिव डिवीजन ऑफ राउल्ट्स लॉ के बारे में मैंने बात कर लिया है कि पॉजिटिव डिवीजन क्या होते हैं और निगेटिव डिवीजन क्या होते हैं। अब मैं फिर से यहाँ पे एंथैल्पी फैक्टर की बात करूँगा, एंट्रॉपी और सारा फैक्टर। तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, सारा फैक्टर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा दूसरी बात, जो सल्यूट सल्यूट का इंट्रैक्शन था, अब तो आप समझ गए, ए और बी से ही हमने समझा दिया, तो उनका इंट्रैक्शन क्या मतलब है। तो मैं अगर देखता हूँ राउल्ट्स लॉ में, तो एक तो आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करा दे रहा हूँ, आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक। ये आइडियल हो गया, एक नॉन आइडियल हो गया। ठीक है, तो हाँ अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि डेल्टा मिक्सिंग वी इजकल टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग एच इजकल टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग जी इज लेस देन जीरो, या इसी को हम निगेटिव बोले थे, और मैंने बोला डेल्टा मिक्सिंग एस इज ग्रेटर देन जीरो, जिसको हम पॉजिटिव बोले थे, और फिर हमने बोला इसमें एग्जांपल मैंने दे दिया था। और यहाँ पे हम अगर पी टोटल की बात करेंगे, पी टोटल मेरा जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के क्या है, बराबर है, और अगर ये पी ए प्लस पी बी बराबर, मतलब पी टोटल मेरा पी ए नाट एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी के बराबर है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीज़ आएंगी, पहला आएगा पॉजिटिव डेविएशन, डेविएट करेगा ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन, दूसरा आएगा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब पॉजिटिव और निगेटिव डिवीजन में क्या होगा, इसमें डेल्टा मिक्सिंग वी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा मिक्सिंग एच नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब समझिए, ये सीधे हम बता दे रहे हैं, नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन आइडियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब पॉजिटिव डिवीजन तो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, और ये भी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा मिक्सिंग एच ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, और डेल्टा मिक्सिंग है जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि ये सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करे, और हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब कैसा होता है, वो इंडोथर्मिक होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी की, लेवाइन में इसी चीज़ को वो एक्सोथर्मिक लिखा है, 0.5 कंसंट्रेशन लिया हुआ है, क्यों लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो हमेशा किसी चीज़ को मैं फिक्स मान के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसको फिक्स मान के चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो बेटर ये होगा कि अगर आपको वैल्यू दिया है पैरामीटर पुट करके रख देंगे तो ठीक है न्यूमेरिकल टाइप का, नहीं तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि क्या सही होगा, ठीक है। उसके बाद हीट एब्जॉर्ब करेगा इंडोथर्मिक, और मैंने आपको बोला जैसे यहाँ पे पी टोटल की बात करूँ तो पी टोटल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, या पी टोटल जो होगा वो पी ए नॉट एक्स से ग्रेटर होगा प्लस, ठीक है, प्लस पी बी नॉट एक्स बी से ग्रेटर होगा पॉजिटिव डिवीजन में, तो पी टोटल ग्रेटर होगा पी ए नॉट एक्स प्लस इससे। अब यही चीज़ अगर हम निगेटिव डिवीजन में आते हैं, अच्छा डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया, उसके बाद एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात अभी हम डेल्टा एस की बात किए थे, हाँ किए थे, तो यहाँ पे डेल्टा एस की बात नहीं किए हैं, तो यहाँ पे डेल्टा मिक्सिंग एस हमने बोला ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा, ऑलवेज क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। और अगर मैं निगेटिव डिवीजन पे चलता हूँ तो जी की बात यहाँ पे नहीं किया हूँ, तो ज़रा जी की बात कर लेता हूँ, जी की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, डेल्टा मिक्सिंग जी ग्रेटर देन जीरो, जो मतलब क्या होगा पॉजिटिव होगा। नरेंद्र अवस्थी में इसको निगेटिव लिखा है, इसी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए करने के बाद ये चीज़ पता चली है, ठीक है। तो
इसलिए इसको हम पॉजिटिव बता रहे हैं भाई। इसका मेरे पास है लेवाइन और एटकिंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा था सर ऐसे बताएं, बहुत सारे लोग इसको इसी निगेटिव बताते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रूफ है मैं उसके आधार पर इसको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है, ठीक। दूसरी बात पीटी की बात हो गई, ठीक है। और पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, उन्हीं की वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं। अब जरा निगेटिव डेविएशन में चलते हैं। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग जो वी होगा वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। निगेटिव डेविएशन में यही होगा ना, ठीक। और डेल्टा मिक्सिंग एच, तो डेल्टा मिक्सिंग एच वो लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। और चूंकि जीरो का मतलब क्या है, ये एक्जोथर्मिक होगा, और अगर ये एक्जोथर्मिक हो रहा है तो डेल्टा मिक्सिंग, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, हर एक पैरामीटर में डेल्टा मिक्सिंग एस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और डेल्टा मिक्सिंग जी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग जी इज लेस देन जीरो, मतलब ये एच फैक्टर को लेके चल रहा है, ये एच फैक्टर को लेके चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उसको भी मैं प्रूव कर दूंगा, हीट एब्जॉर्ब। और फिर ये क्या, पी टोटल, पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, या पी टोटल इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये मैं आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को उन पैरामीटर की मैं बात कर लिया जिसकी ज़रूरत थी और जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्या यहाँ पे ज़रूरत रह गई है, अब एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये तो समझ गए होंगे, उतार लीजिएगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप को समझिए। एजियोट्रॉप का मतलब होता है जब कोई दो लिक्विड को हम मिक्स करें और मिक्स करने के बाद वो दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे कांस्टेंट रूप से बॉयल करने लगे। जैसे समझिए, अब इसको आप वीडियो रोक के भी उतार सकते हैं तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए जरा समझिए, अगर दो लिक्विड हैं, एक ए टाइप का है दूसरा बी टाइप का, और ये दोनों लिक्विड मान लीजिए इमेजिनरी हैं, ये मान लीजिए ए है, ठीक है। ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा और बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा, समझिए बात को। तो और दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया है, दोनों लिक्विड को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद अगर ये दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर कुछ भी हो सकता 70 80 के बीच में हो सकता 70 ही हो सकता 40 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक इमेजिनरी टेम्परेचर 60 डिग्री मान के चलें, कि मान लेते हैं कि दोनों 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना स्टार्ट, ये 70 पे बॉयल कर रहा था, ये 80 पे बॉयल कर रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि 60 ही डिग्री पे ये भी बॉयल करने लगा और ये भी बॉयल करने लगा, तो इनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी थी वो घट गई। मतलब जितना वेपर ये बन रहा था उससे क्या हो गया, घट गया, और दोनों अब देख रहे हैं को बॉयल कर रहे हैं साथ साथ बॉयल कर रहे हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स टू ईच अदर देन दे बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर, वो क्या करते हैं सेम ही टेम्परेचर पर क्या करते हैं बॉयल करते हैं साइमल्टेनियसली साथ। तो एक ही टेम्परेचर पे साथ साथ जब वो बॉयल करने लगते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस रूप से, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, हमको पता है अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वेपर ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तभी वेपर ज़्यादा बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिसका वेपर ज़्यादा क्रिएट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका क्या मतलब, मिनिमम बॉइलिंग कौन होगा, जो जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होगा, जिसका वेपर क्या है ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, और जो निगेटिव डेविएशन शो करता है, निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, उसमें वेपर कम बन रहे हैं, तो अगर वेपर कम बन रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है तो वेपर ज़्यादा है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग वाला जो होता है वो
पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और मैक्सिमम वाला नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो मिनिमम बॉयलिंग एजियो ट्रॉप हो गए, मैक्सिमम बॉयलिंग एजियो ट्रॉप हो गए। और मैं आपको एग्जांपल भी आइडियल का बता दिया हूँ, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल मैं बता दूँ। जैसे देखिए, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल होता है ये पॉजिटिव डेविएशन का है। और वहीं पे अगर मैं देखता हूँ H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, तो ये किसका है, नेगेटिव डेविएशन का है। तो मैं एक एग्जांपल बताया, बहुत सारे एग्जांपल किताब में दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये एथिल अल्कोहल वाटर और वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, इसकी भी कहानी बड़ी उल्टी सीधी है, लेकिन अभी बस जितना है दिया है आपके सिलेबस उतना पढ़िए, क्योंकि इसका भी